मैं राहुल पिछले 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सो आज हमारा ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज का डेट 32 है। सो इसमें हम कवर करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। पिछली ट्रेड के अंदर भी हमने रिस्क मैनेजमेंट की कैलकुलेशन कवर की थी। सो इसमें हम जानेंगे सिंपली रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, रिस्क मैनेजमेंट होता है कि आप जब ट्रेड करते हो तो आप रिस्क कितना ले रहे हो, ठीक है। लाइक रिस्क मैनेजमेंट को ऐसे मैनेज किया जाता है, लाइक इस ट्रेड के अंदर देखो मैंने 1 रुपये का एसएल लिया, ठीक है, और 4 रुपये का प्रॉफिट, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है, 1 रुपये का। सो नेक्स्ट ट्रेड में देखो जब मैंने 1 रुपये का एसएल लिया तो उसके बदले मैंने 5 रुपये का प्रॉफिट किया, ठीक है। सो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट वर्क करता है गाइस। तो रिस्क मैनेज अपना आप हो जाएगा बिकॉज रिस्क रिवार्ड अच्छा रखो। यदि आप टारगेट 2 या 2 से ज़्यादा का लोगे तो रिस्क अपने आप मैनेज होता जाता है, ठीक है। सो यही बस सबसे सिंपल तरीका है रिस्क को मैनेज करने का, ठीक है। थैंक यू गाइस।